फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ये आपको बीएससी, बीसीए इसमें इसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो हमने पहले बताया था वेरिएबल सेपरेबल, उसमें क्या था कि x वाले के dx के साथ और y वाले को dy के साथ सेपरेट करना था। यहाँ उससे पहले क्या करना है, हमको x और y को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद तब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल की तरह उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। वी हैव dy by dx is equal to x plus y का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन क्या करेंगे, वन मानेंगे, ठीक। अब यहाँ हम पुट करेंगे कि x plus y is equal to घी कर ले, z कर ले, जो भी करना है, ठीक है, z कर ले। This implies वन प्लस dy by dx is equal to dz by dx। देखिए यहाँ वन इसलिए हम किए हैं क्योंकि यहाँ dx by dx तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो dx by dx क्या होता है, वन होता है, इसलिए हमने वन किया। तो यहाँ dy by dx हो गया प्लस dz by dx। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे dy by dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो dz by dx माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सिंपल। अब इसमें हम इक्वेशन वन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन वी गेट। तब यहां पे क्या हो जाएगा कि डीजेड बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वन, dy by dx को dz by dx माइनस वन लिख सकते हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ हमने क्या माना है कि z स्क्वायर। दिस इंप्लाई dz by dx इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको z वाले के साथ हम इसको करेंगे और x वाले को इधर ले जाएंगे, तो dz by z स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू dx, सिंपल। तो अब यहां हम देख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है। तो dx by x square plus 1 क्या होता है, tan inverse x होता है। तो यहां क्या हो जाएगा आपको, tan inverse z is equal to x प्लस के, दिस इंप्लाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस के। दिस इंप्लाई जेड का वैल्यू क्या हम माने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस के। लिख देंगे कि वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।